हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं लाजपत नगर मार्केट। पूरी मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्राइजेस रहते हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। चाहे फ्रॉक क्लोथ्स हो, फुटवेयर हो, एक्सेसरीज हो, हेयर एक्सेसरीज हो गई, या फिर आपकी हैंडबैग्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, सब कुछ कवर करेंगे हम लोग। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका सैम व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ और खुश होंगे। तो गाइस, आज हम जाने वाले हैं लाजपत नगर मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो देखते हैं हमारा वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसे रहता है, कैसे कैसे हम जाते हैं, वहाँ पे कैसा कलेक्शन है, क्या मिलता है, क्या प्राइजेस रहते हैं। तो आप सबके साथ मैं पूरी डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ, तो देखने के लिए बने रहें। हेलो आंटी, हम जा कहाँ रहे थे? लाजपत नगर। यहाँ से रास्ता वो लिखा तो है, इधर घुसता है, उधर घुसता है। हाँ, इधर से देखो आंटी, यहाँ से मस्त लग रहा है ना। हाय, ये देखो क्या नजारा, यहाँ हिल व्यू लग रहा है, मेट्रो स्टेशन। तो गाइस देखो, ये मेरी आज की है फुल आउटफिट, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल सी है। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन। और अगर आप भी मेट्रो से लाजपत नगर आ रहे हैं, तो फिर आप गेट नंबर 5 से एग्जिट कीजिएगा। तो गाइस देखो, मेट्रो स्टेशन से निकलते ही आपको यहाँ पे वेंडर्स मिल जाएंगे छोटे छोटे। देखो ये आजकल का नया फैशन, दो दो चश्मे। उसके बाद देखिए, जैसे ही आप रोड क्रॉस करते हैं, आपको यहाँ पे अलग अलग वेंडर्स मिल जाएंगे कपड़ों के। तो देखिए, जो अभी ट्रेंडिंग, ज़्यादातर अभी समर्स का ही कलेक्शन आ गया, विंटर्स का ख़त्म हो चुका है। और तो हम मार्केट की तरफ चलते हैं, उसके बाद आपको सारा कलेक्शन दिखाएंगे। हमें गाइस आते ही लग गई भूख, और हम टूट पड़े भले पापड़ी पे। तो गाइस, सबसे पहले एंट्री होते ही हमें दिखी यहाँ पे खाने की शॉप, तो हमने ली भले पापड़ी। आप लोग भी टेस्ट कीजिए, बहुत ही टेस्टी थी ये। तो गाइस ये देखिए, ये है लाजपत नगर मार्केट की एंट्रेंस। और यहाँ पे देखिए, ये छोटी सी क्यूट सी बच्ची कितना प्यारा ये करतब दिखा रही थी, रोल एंड रोल कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे एंट्रेंस होते ही सबसे पहले ये भैया थे यहाँ पे, जो कि कॉर्ड सेट्स और अफगानी सूट बहुत ही अच्छे अच्छे प्रिंट में थे, कपड़ा इनका बहुत ही अच्छा था, ये सेल कर रहे थे। ये बता रहे थे 500 रुपीज़ का सेट बता रहे थे, बट अगर आप इनसे बार्गेनिंग करेंगे तो ये थोड़ा कम भी कर सकते हैं। देखो बहुत ही प्यारे डिज़ाइंस थे। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे आपको 300-300 रुपये में कुर्तीस मिल रही थी, बहुत ही अच्छा डिज़ाइंस था इनका, बहुत ही अच्छा मटेरियल था। उसके बाद देखो, जस्ट उसके सामने यहाँ पे ये इयररिंग्स मिल रहे थे, जो कि 50 रुपीज़ की सेल थी। कोई भी इयररिंग लो, यहाँ पे आपको हर डिज़ाइन में देखो कितने कलरफुल और प्यारे प्यारे इयररिंग्स मिल रहे थे, बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे यहाँ पे। उसके बाद देखो, यहाँ पे बोज और क्लिप्स मिल रही थी। उसके बाद यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल रही थी, जिसकी स्टार्टिंग सिर्फ 50 रुपीज़ से थी, और बहुत ही अच्छा कलेक्शन था बहुत ही। और ऊपर से ये गारंटी ले रहे थे कि इनकी कलरिंग भी नहीं उतरेगी और वो सब। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये फुटवेयर्स का कलेक्शन मिल रहा था आपको। उसके बाद ये देखिए, ये मार्केट का सेंटर है, यहाँ पे आपको नकली विक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिल रही थी।
उसके बाद ये देखो 250 रुपये में 5 पीस का कुशन सेट मिल रहा है आपको। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितनी सारी विक्स मिल रही थी। उसके बाद देखो यहाँ पे 350 रुपये में कुर्ती मिल रही थी। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको लोकल के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स के आउटलेट्स भी यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको एक शॉप पे चिकनकारी कुर्तीस मिल रही थी जो कि आपकी सिर्फ 300 रुपये से स्टार्टिंग थी। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको ये क्लचर्स मिल रहे थे जो कि 50 रुपीज़ का ईच था। यहाँ पे 10 रुपीज़ से शुरू थी क्लिप्स वगैरह। उसके बाद ये देखो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी कोट सेट्स वगैरह यहाँ पे थे, टॉप्स वगैरह थे जो कि 450 ये थे। अच्छा लगेगा। हाँ भाई, कितने का ये? 450 का ये। उसके बाद देखो आपको यहाँ पे कोट सेट्स मिल रहे थे जो कि 500 रुपीज़ का आपको पूरा सेट मिल रहा था। उसके बाद देखो मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ दिखाती हूँ, मोर पंख से बना हुआ पंखा जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। और देखना है। लोगों की पैर काट लिए। फिर देखो आपको यहाँ पे एक पूरी डेडिकेटेड शॉप मिल रही थी जहाँ पे आपको डेकोरेटिव आइटम्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे डेकोरेशन के लिए, अगर आपको घर डेकोरेट करना है, मंदिर डेकोरेट करना है, उसके बाद कान्हा जी का झूला, कान्हा जी के कपड़े और भी बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर सामान मिल रहा था। देखो लड़ियाँ वगैरह थी यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे जो हम लोग फंक्शंस वगैरह में लिखते हैं शादियों में, हल्दी, मेहंदी, दुल्हनिया, वो सब ये भी लिखा हुआ यहाँ पे अवेलेबल था। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारे डिज़ाइंस में कलरफुल था। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी और सुंदर जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे वैसे सैंडल्स और स्लीपर्स वगैरह थे जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे और जिसका स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ से शुरू था। उसके बाद ये देखो मैंने भी एक हील ट्राई की बट मुझे इसका साइज़ छोटा आ रहा था। उसके बाद फिर देखो आगे आके आपको यहाँ पे कोट सेट्स और सूट वगैरह, कुर्ती वगैरह मिल रही थी जो कि सिर्फ 350 रुपीज़ के थे। उसके बाद 50 रुपीज़ के आपको यहाँ पे टॉप्स मिल रहे थे जो कि सर्दियों के लिए थे। उसके बाद देखिए आपको सभी कंपनियों के ड्यूप बैग्स भी मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्वालिटी में थे और जिसकी स्टार्टिंग सिर्फ 300 रुपये से थी। उसके बाद आपको यहाँ पे MK, क्रिश्चियन डियोर, लुई विटोन, बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स के आपको ड्यूप्स मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे मुझे मिले बलून्स, वो भी स्माइली वाले कलरफुल, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो चलो अब हम चलते हैं वापस अपनी शॉपिंग की तरफ। देखिए यहाँ पे कुर्ते मिल रहे थे, यहाँ पे कुर्ता सेट्स, वन पीस ड्रेसेस और कोट सेट्स ये सब मिल रहा था। देखिए इनकी क्वालिटी कितनी अच्छी थी और ये ग्रीन वाला तो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये सिर्फ आपका, ये देखिए ये आपके 600 रुपीज़ के थे सारे। देखिए ये इनके साथ पैंट्स थी और ऊपर ये कुर्ती थी। ये देखना यहाँ पर ये वाले, तेरे तो ये अच्छे लगेंगे, तेरे को तो आ जाते हैं ये। पकड़ना मेरा फोन आ रहा है, मैडम 400 दे देना मैडम। उसके बाद ये भैया यहाँ पे 400 तक भी देने को रेडी थे ये कोट सेट्स जो कि, और ये अफगानी सूट तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। इनमें देखिए कितने अलग अलग कलर्स अवेलेबल थे, साइजेस भी आपको सारे अवेलेबल थे यहाँ पे। आप किसी भी डिज़ाइन में साइज़ मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये कोट सेट्स भी बहुत ही प्यारे थे, इनके देखिए प्रिंट कितने प्यारे प्यारे हैं, इनका कपड़ा काफ़ी अच्छा था। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जंक ज्वेलरी मिल रही थी जो कि ये 100-100 रुपये के नेकलेसेस दे रहे थे और 100 रुपये के दो पीस ये ब्रेसलेट्स दे रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उसके बाद देखिए हम आए एक शॉप पे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर बिल्कुल न्यू कलेक्शन आ रखा था, बहुत ही प्यारा कलेक्शन था, कपड़े काफ़ी अच्छे थे और प्राइजेस भी बिल्कुल रीजनेबल थे। उसके बाद देखो ये हमने की थोड़ी सी मिरर व्लॉगिंग, मिरर में खुद को कैच करके और फिर अब हम चलते हैं आगे।
बाकी देखिए ये वाला सूट भी कितना प्यारा लग रहा था जो यहाँ पे लगा रखा था इन लोगों ने, वाइट वाला। उसके बाद हम लोग चले आगे, तो चलो अब हम चलते हैं आगे। ये देखो यहाँ पे अनारकली सूट्स और वन पीस ड्रेसेस भी मिल रही थी जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्यारे डिज़ाइंस में थी और बहुत ही ज़्यादा अलग अलग प्रिंट्स में थी। देखिए इसमें साथ में इसके लोअर भी थी, मतलब पैंट्स वगैरह। ये देखो कितना ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था, कितना ज़्यादा अलग अलग प्रिंट्स अवेलेबल थे। फ्लोरल भी है, वैसे प्रिंट्स भी हैं, बिल्कुल समरी वाइब्स आएगी आपको इनसे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक शॉप थी जो कि 150 रुपीस का सारे प्रोडक्ट्स आपको दे रही थी। यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का प्राइस सिर्फ 150 रुपीस का था, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट ले लें। देखिए कितना अच्छा कलेक्शन था यहाँ पे भी। और यहाँ पे कुछ चीज़ों का थोड़ा हल्का मटेरियल था, बट कुछ चीज़ों का काफ़ी अच्छा मटेरियल था, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए हर जगह इन्होंने स्टिकर्स भी लगा रखे हैं, सिर्फ 150 रुपीस में आप कोई भी प्रोडक्ट ले। जय हो बाबा जी। उसके बाद चलो देखते हैं अब आगे का कलेक्शन। देखो यहाँ पे कितने अच्छे से इन्होंने ड्रेसेस वगैरह भी लगा रखी हैं, टॉप्स भी हैं, सब कुछ। ये सारा का सारा 150 रुपीस में है। फिर देखिए पहाड़ी ड्रेप स्कर्ट्स जो थी ये भी सिर्फ 150 रुपीस में थी। इसमें भी अलग अलग कलर्स आपको अवेलेबल थे। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे सारा अनस्टिच मटेरियल मिल रहा था। आपको क्लोथ्स मिल रहे थे, वाइट क्लोथ्स भी मिल रहे थे, जिसे कि आप खरीद के अपने हिसाब से डाई वगैरह करा सके। देखिए सारा मटेरियल आपको मिल रहा है ऐसे, कितना प्रिंटेड और कितना अच्छा मटेरियल मिल रहा था। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ कपड़ा ही नहीं, उसके साथ साथ उसको डेकोरेट करने के लिए लेसिस वगैरह भी मिल रही थी। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा कलेक्शन था। ये पूरी गली जो थी वो पीछे तक, उसमें आपको सिर्फ लेसिस और गोटा पट्टी और ये सब मिल रहा था। उसके बाद थोड़ी और आगे आए तो यहाँ पे देखिए आपको डेकोरेशन का सामान मिल रहा था सारा। ये देखिए ये मिरर जो था आपका सिर्फ 1700 रुपीस का था, जो कि काफ़ी बड़े साइज में था। उसके बाद यहाँ पे आपको बेल्ट्स मिल रही थी, बच्चों के लिए वाटर बॉटल, ग्लासेस और काफ़ी ज़्यादा क्रॉकरी आइटम्स भी यहाँ पे मिल रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे डिज़ाइंस में थे, जो कि हमें टीवी वगैरह में देखने को मिलते हैं, वैसा कलेक्शन था यहाँ पे। और प्राइजेस भी काफ़ी नॉर्मल लाइज थे। यही ठीक तो लग रहा है। कितने का बोल रही है? 750। और मैडम आप फैंसी ब्लाउज लो, साड़ी के लिए लहंगे के लिए लो, फैंसी को बोल दो। अच्छा लग रहा है तो ये जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये एक और शॉप थी जहाँ पे सिर्फ 150 रुपीस की सेल चल रही थी। आपके सारे टॉप्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको 150 रुपीस का मिल रहा था। कलेक्शन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा क्रॉप टॉप्स और ड्रेसेस वगैरह भी थी यहाँ पे। समर के लिए काफ़ी अच्छा कलेक्शन था और सब कुछ काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस में था, कपड़ा भी अच्छा था। ये देखिए आपको अगर आप वैकेशन प्लान कर रहे हैं तो गोवा के लिए भी आपको यहाँ पे शर्ट्स मिल जाएंगी, टॉप्स मिल जाएंगे बहुत ही प्यारे प्यारे। ये देखिए आपको यहाँ पे क्रॉप टॉप्स, क्रॉप शर्ट्स वो सब भी यहाँ पे, ऑफ शोल्डर टॉप्स वो सब भी यहाँ पे सिर्फ 150 रुपीस का मिल रहा था। उसके बाद देखिए हम एक और शॉप पे आए जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अलग अलग डिज़ाइंस के, बहुत ही ज़्यादा क्लासी और बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल पर्सेस अवेलेबल थे। देखिए कितना अच्छा अच्छा इनका डिज़ाइंस था, काफ़ी ज़्यादा शिमरी वगैरह थे ये। फिर देखिए आपको यहाँ पे ये शॉप मिल रही थी जहाँ पे ड्रेसेस वगैरह टॉप्स वगैरह सिर्फ 100 और 200 रुपीज़ के थे। देखिए कितना अच्छा कलेक्शन है। ये पिंक वाली ड्रेस सिर्फ 100 रुपये की थी यहाँ पे, और वहाँ पे वे शर्ट्स वगैरह थी वे 200 रुपीज़ की थी सारी। फिर देखिए आपको यहाँ पे कितनी सारी लटकन वगैरह मिल जाएंगी, उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी कितनी सुंदर सुंदर लेस लगी हुई थी। उसके बाद देखिए 100 रुपीस में यहाँ पे आपको सारा
कलेक्शन मिल रहा था, कितनी ज़्यादा जंक ज्वेलरी मिल रही थी, ये सारा आपका 100 रुपीज़ का था। देखिए ये आंटी ने ले रखा है, ये भी 100 रुपीज़ का था गले का सेट। भैया 350। फिर देखिए आपको यहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे केप्स वगैरह मिलती थी, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। ये बोल रहे थे भैया कि इन पे हर एक कलर का केप मिल जाएगा, वो भी सिर्फ 650 रुपीज़ में। एक ये बड़ा वाला भी 1700 में 3 सेम साइज अंदर है, दिखाना। अगर डस्ट वगैरह गिरती है तो कॉलिन से साफ कर सकते हो, काला नहीं पड़ेगा। ये फिक्स प्राइस है क्या? नहीं, रेट कर दूंगी, टेंशन मत लो, नहीं। देखिए हम लोग मार्केट से निकल के पहुंच गए हैं सीधा गोलगप्पे वाले भैया के पास, गोलगप्पे खाने के लिए। तो गाइस देखो मेरा भी गोलगप्पा आ गया, आप लोग पहले टेस्ट कीजिए, ये लीजिए। डन। तो गाइस देखो हमारी शॉपिंग हो चुकी है डन और हम लोग कर रहे हैं मेट्रो का वेट। फिर देखो हमें मेट्रो मिल गई थी और ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, आप लोग भी देखो कितनी ग्रीनरी लग रही है, और नीचे जाना तो पेड़ इतने कम दिखते हैं बट ऊपर से कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। उसके बाद देखो गुरुद्वारा साहिब के भी दर्शन हो गए। गाइस अगर आप अभी तक बने हुए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि नई वीडियोस आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।